नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपका क्लास 10 सोशल साइंस का दोस्तों आपको क्विज अभ्यास जो कि आज यानी कि 23 तारीख को उसको जारी किया गया। दोस्तों अगर आपको मैथ्स या फिर अगर आपको इंग्लिश की वीडियो देखनी तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसके भी वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यहाँ पे 10 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 33% हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रादेशिक जल कितनी दूरी तक यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसका दोस्तों जो आपका सेकंड वाला यानी कि 12 समुद्री मील इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है ना, यानी कि तीसरा वाला आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी देश के रोजगार के आंकड़े रोजगार और बेरोजगारी पर 5 वर्षीय सर्वेक्षण से एकत्रित किए गए आंकड़ों पर आधारित होते हैं। यह सर्वेक्षण कौन सी यहाँ पे जो संगठन है करता है। तो इसका दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, यानी कि नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसका दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GDP का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, ये क्या यहाँ पे दिखाता है। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला वाला हो जाएगा, यानी कि यह दर्शाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था उससे कुल उत्पादन के मामले में किसी दिए गए वर्ष में कितनी यहाँ पे बढ़ी है। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद करें और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाएं, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको इंग्लिश बोलना, वो भी हिंदी भाषा के साथ बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में होती है हिचकिचाहट, या फिर अगर आपको करनी है इंटरव्यू की तैयारी, या फिर अगर आप इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप प्ले स्टोर से और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स खरीदें और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को यहाँ पर सर्च करें। इसका दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह है। तो इसका दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका चौथा वाला हो जाएगा, यानी कि वर्कर ट्रेड यूनियन। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन यहाँ पर निभाता है। तो यहाँ पर पार्टियाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, चीन का अखबार किसके माध्यम से यूरोप पहुँचा था। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका रेशम मार्ग है ना कि जो आपका पहला वाला ना, ये आपका सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में हस्तलिप यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ की समिति लोकप्रियता का यहाँ पे कारण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका तीसरा वाला हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको टिक कर लीजिएगा। इसका दोस्तों यहाँ पे आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब आया था। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका पहला वाला हो जाएगा, यानी कि 16वीं शताब्दी के मध्य में। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि दोस्तों आपको डेली इसी तरीके से आंसर हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।